गई थी अपने रिश्तेदार को उनका ट्रैक्टर ट्रॉली, और ये ग्वार निकाला हुआ है तकरीबन 55 या 60 कुंटल के करीब ये होगा। ये है इसका निकला हुआ नीरा ग्वार का। इसे इकट्ठा करके नाप करके दो भाग इसके बना दिए जाएंगे, क्योंकि जितना ग्वार होता है लगभग उससे डबल के करीब मानते हैं उसका नीरा। और वो जो आगे आपने गाय देखी दूर तक, और ये जो दो सामने पेड़ देख रहे हैं, यहाँ तक कि ये सीमा है इसकी। इस साइड वाला अपना है, ये आगे फिर आपको दिखाई दे रहा है एक वृक्ष बिना पत्तों वाला, यहाँ तक कि ये लाइन आती है, इससे इस साइड वाला अपना है। आगे फिर ये दो पेड़, और फिर आगे की और बड़ा पेड़, यहाँ तक की ये सीमा है। उसके बाद आगे तक चला जाता है। ये देखिए प्लेन है जमीन, इस पर ट्रैक्टर आराम से चल जाता है, कोई बड़े टिब्बे नहीं है। और ये देखिए आप साथ साथ में इसमें जो मतीरे हैं वो पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे देखें दूर, वहां से रास्ता गांव से आ रहा है, तो ये रास्ता अपने खेत से है। उसके साथ साथ आप आगे बिल्कुल लास्ट में जा सकते हैं, आगे सामने वहां जो पेड़ है कॉर्नर में, वहां से लेके ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपनी जमीन है। ये देखिए सामने मतीरे पड़े हैं, इसमें घास जो है ये ग्वार काटने के बाद बचा हुआ है। ये सामने जो पेड़ हैं आगे चल रहे हैं, इससे इस साइड वाला भाग अपना है। ये सारा का सारा 50 बीघा के करीब है। यहाँ पर भी कुछ मतीरे इकट्ठे किए हुए हैं, काकड़ियाँ हैं, और ये घास देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जमीन में ज्यादा घास होता है उसमें फसल भी अच्छी होती है। आगे देखिए बिल्कुल लास्ट में ये जो आपको बंदा दिखाई दे रहा है, इसके सामने आगे जो लाइन है वहां तक वो सीम है, अर्थात इससे इस साइड वाली अपनी है। और फिर ये जो बच्चा जा रहा है इसके आगे से देखिए, आगे सामने पेड़ तक वो लाइन उस साइड चली गई, और जो सबसे लास्ट में पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहां तक ये अपनी है इस साइड वाली। तो ये मैंने दिखाया आपको, ये मकान दिखाते हुए पीछे का सारा आपको व्यू करवा दिया है। इस साइड वाली ये रसोई, बीच वाला बड़ा कमरा जिसमें सारा सामान, आगे वो, ये बाउंड्री, ये बेरी है। और इस प्रकार से ये जो हमारी 50 बीघा जमीन है वो आप इसका पूरा अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ बड़े टिब्बे नहीं हैं, सामने जो आगे पेड़ है वहां से इस साइड वाला, उसके आगे जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा अपना ही खेत है। यहाँ ट्रैक्टर आराम से हर जगह चल सकता है, आप देख सकते हैं। ये मकान के पीछे का सीन है, लास्ट तक जो आपको खेत वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उससे इस साइड वाला अपना है। अब यहाँ देखें आप, लास्ट में थोड़ा सा आपको टिब्बा ऊंचा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ट्रैक्टर चढ़ता है, यही एक थोड़ी सी जगह है, बाकी यहाँ सारा का सारा सिस्टम ठीक है। ट्यूबवेल अब यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और ट्यूबवेल लगते ही ये जमीन जो है सोना उपजेगा, आप जानते हैं। और थोड़ा सा यदि ट्रैक्टर लगा करके करावा जिसको बोल देते हैं लग जाता है, तो बिल्कुल ये जमीन प्लेन होने में कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। वो जो गाय है उससे ऊपर जो सीम है वो आप देख सकते हैं, इन्हें यहाँ खीपड़ा बोला जाता है। ये रास्ता जो गया वो अपने खेत से, ये देखिए इतने कांकड़ी मतीरे, जो मतीरे हैं यहाँ आपको पड़े दिखाई दे रहे हैं, ये खाए हुए भी, और तादाद काफ़ी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाला ये खेत है। हाँ, बिकाऊ अवश्य है, यदि कोई इच्छुक है लेने का, तो अभी का जो रेट है वो लगभग 1 लाख रुपए एक बीघा है। आगे जैसे इसका बढ़ेगा तो वो अलग होगा। और यहाँ पर ज़मीन जो है, अभी मैं जैसे दूर से हूँ तो इसको आध पे मैंने दे रखा है, ये देख लीजिए आप, ये कुछ यहाँ पे कारिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रैक्टर वगैरह सारा ग्वार, तो आप अच्छी प्रकार से इसे देख सकते हैं। और ये अब आपको जो दिखाई देंगे ये मैं हूँ, आगे वाला आ रहा हूँ, पीछे जो है मेरा भांजा है विष्णु। तो इस प्रकार से ये अपना खेत है, कोई अच्छा दाम दे तो हम इसे बेच देंगे। और ये